पटना में पुलिस ने बीटीएससी कैंडिडेट्स पर लाठी चार्ज किया है। इन कैंडिडेट्स का रिजल्ट 4 साल पहले से पेंडिंग है। इसे जारी करने की मांग को लेकर गुरुवार सुबह से कैंडिडेट्स सड़कों पर उतरे थे। 12:30 बजे ये कैंडिडेट्स बीजेपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। पुलिस ने लाठी चार्ज कर सभी को वहां से हटाया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस ने लाठी चार्ज के बाद धक्का मुक्की करने वाले कई कैंडिडेट्स को हिरासत में लिया है। बीटीएससी कैंडिडेट्स को पुलिस बीजेपी कार्यालय से पटना जंक्शन की तरफ लेकर जा रही थी। पुलिस के लाठी चार्ज में कई कैंडिडेट्स को चोटें भी आई है। बता दें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जूनियर इंजीनियर पद की परीक्षा देने के बाद भी कैंडिडेट्स लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। गुरुवार को उनका सब्र का बांध टूट गया और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गए, जिनके बाद उन पर लाठी चार्ज किया गया। बता दें कि कुछ ही दिन पहले 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर दूसरी बार पटना में लाठियां चली थी। अजीब बात यह थी कि तेजस्वी यादव शिक्षक नियोजन की मांग करने वाले युवाओं का साथ देने का बात करते थे और धरना प्रदर्शन में शामिल भी होते थे, लेकिन उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद युवा प्रदर्शन करने पर लाठियां खा रहे थे। यहां तक कि तेजस्वी युवाओं से बात करने तक नहीं आए। अब आपको फिर से बता दें कि पटना में पुलिस ने बीटीएससी कैंडिडेट पर लाठियां बरसाई है। इन कैंडिडेट्स का रिजल्ट 4 साल पहले से पेंडिंग है। इसे जारी करने की मांग को लेकर गुरुवार सुबह से कैंडिडेट्स सड़कों पर उतरे हुए थे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।